देहरादून में पृथ्वी दिवस के मौके पर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस रैली में ढोल दमाओं के साथ कई लोगों ने शिरकत की। पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग सक्सेना ने। पर्यावरणविद अनिल जोशी जी, आइए इनसे बातचीत करें। तो सर, जो आज रैली निकाली जा रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और आज हमने ये दिवस में एक खास मुद्दे पर जन जागरण की एक कोशिश की है। वो इस रूप में है कि पृथ्वी अब निश्चित रूप से प्रतिक्रिया कर रही है। नदियाँ सूख रही हैं, प्राणवायु दम घोटू हो चुकी है, मिट्टी खत्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो ये तापक्रम बढ़ रहा है, जो आंधी तूफान देश दुनिया में चल रहे हैं, इन पर बड़े सवाल पृथ्वी की ओर से हैं कि जिस तरह से बर्ताव पृथ्वी के साथ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमसे गुस्सा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर एक जन जागरण के लिए पृथ्वी दिवस है, और हम सबका ये सामूहिक दायित्व है कि पृथ्वी को बचाने में, पृथ्वी को बनाने में हमारी एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए। सभी लोगों के लिए ये आवश्यक है कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए एकजुट कैसे हो सकते हैं, उससे संदर्भित ये रैली और ये बातचीत है। सर, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जो काम है अल्टीमेटली लोगों को ही करना है। मैं ये समझता हूँ, इसीलिए इसे सामूहिक दायित्व माना जाता है। ये सामूहिक दायित्व इसलिए कि हम में से कौन है जिसे हवा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए, इसीलिए सबका दायित्व है। इसलिए अपने अपने स्तर पर सबको पृथ्वी को बचाने के लिए सोचना होगा, तभी कहीं जाके पृथ्वी बचेगी। सर, अभी मुख्यमंत्री जी रिस्मना को बचाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में क्या लगता है, रिस्मना को हम कैसे दोबारा पुनर्जीवित करें? ये बहुत बड़ी पहल है, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसे राज्य में है कि जिन्होंने हवा, मिट्टी, पानी और नदी के बचाने के बारे में सोचा है। और मुझे आशा है कि अगर ये सामूहिक दायित्व होगा हम सबका, पृथ्वी और रिस्पना ये दोनों बचने की शुरुआत होगी। सर, अगर पलायन की बात करूं, गांव की बात करूं, तो पलायन एक पहाड़ की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि अपने स्थान पर हम वो राज्य है जो संसाधनों से परिपूर्ण है, और आप अपने संसाधनों पर आधारित आर्थिकी की हम जब बात करेंगे, निश्चित रूप से स्थानीय रोजगार खड़े होंगे। और मेरा मानना है कि आप युवाओं को रोजगार ढूंढने नहीं चाहिए, पैदा करने चाहिए, क्योंकि हम लोग वो हैं जिनके पास तमाम संसाधन हैं। सर, आम लोगों को आपका क्या संदेश है? मेरा मानना है कि उत्तराखंड राज्य हो या देश या दुनिया हो, सब लोगों को अब नए सिरे से हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को बचाने की बात करनी चाहिए। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अनुराग सक्सेना की रिपोर्ट।